अच्छा कह रहे हैं सीए लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू करें। देखिए क्या होगा, जब भी होगा अवाम, ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत, और लॉन्ग टर्म वीजा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की जरूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अकलियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको संग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी और हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी, और मजलिस की नुमाइंदगी पर उस वक्त की TRS की हुकूमत में हमने तेलंगाना के असम्बली में एक रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया था कि सेंसस गवर्नमेंट कराएगी, मगर NRC NPR का काम नहीं होगा। सर, PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है सर, उसके लिए कल मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा था कि कल पार्लियामेंट लोकसभा में उद्धव शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना है, उनके जो पार्टी लीडर हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को शहीद किया जा रहा था, तो नरसिम्हा राव ने लोगों को कहा कि मुझे पूजा करना है, डिस्टर्ब मत करो। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे वजीर आजम को, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये तो शिंदे ग्रुप के पार्टी लीडर जो नरेंद्र मोदी की अकाइद कर रहे हैं, और आज आप उनको भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, और जो रथ यात्रा निकालते हैं, जहां जहां अडवाणी की रथ यात्रा गई वहां पर तशद्दुद हुआ, घर वीरान हुए, बच्चे यतीम हुए, तो इससे बात साबित होती है कि कौन अमन को फरोग देना चाहता है और कौन जुल्म को आम करना चाहता है। मैं आवाम से अपील भी कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि BJP की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि वो 370 लोकसभा सीट देखने का उनका टारगेट रखा हो। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, इंतशार पैदा करने वाली ताकतों से दूर रहिए, होशियार रहिए। ये सिर्फ BJP के काम में आसानी पैदा करना चाहते हैं। आपको और हमको BJP से मुकाबला करना है, उनको शिकस्त देना है, और अपने इत्तेहाद की ताकत से हमको छोटी BJP को भी, जैसा हमने हमेशा शिकस्त दिया, उनको भी शिकस्त देकर हैदराबाद के जो अमन का माहौल है उसको मजबूत रखने की बेहद जरूरत है।